अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है क्रीमी व्हाइट जलफ्रेजी। ये जलफ्रेजी बहुत मजे की बनती है। आइए चीजें नोट कर लें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन 500 ग्राम बोनलेस जूलियन कटा हुआ, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, कोकोनट पाउडर 2 टेबल स्पून, दूध 1/2 कप, शिमला मिर्च हाफ कटी हुई, यहाँ मैंने ली है 4 अदद सब्ज मिर्च और 2 अदद सुरख मिर्च लंबी कटी हुई, 1 अदद उबला हुआ अंडा, मसाला जात में लिए है मैंने सफेद मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, घी लिया है मैंने 5 टेबल स्पून। क्रीमी व्हाइट चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन में ऐड करेंगे घी 2 टेबल स्पून, उसके बाद हम इसके अंदर नमक और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, बाकी हम कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करके 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करें। चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करें। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। यहाँ देखिए चिकन का कलर तब्दील हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लें। 1 मिनट तक लहसुन और अदरक को भून लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें कोको पाउडर ऐड करें। साथ ही इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर दें, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, सफेद मिर्च, इसमें लंबी कटी हुई सब्ज मिर्चें और शिमला मिर्चें ऐड करें। अब इसमें जीरा 1/2 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करें। साथ ही इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। क्रीमी व्हाइट जलफ्रेजी घर पे आसानी से तैयार हो जाती है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये सिंपल सी रेसिपी है। अब हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे ऑल पर्ल्स की क्रीम 1 पैक। क्रीम को ऐड करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि फ्लेम को मीडियम टू लो कर लें। अब क्रीमी जलफ्रेजी को 3 मिनट और पका लें। 3 मिनट के बाद हमारी जलफ्रेजी तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार जलफ्रेजी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही हमारी जलफ्रेजी की फाइनल लुक। अब हम इसको बॉयल एग, शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए। आपने चिकन जलफ्रेजी बनाकर कमेंट ज़रूर करना है आपकी जलफ्रेजी कैसी बनी। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।